कैसे हैं आप? तो लास्ट वाला वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया था, जिसे मैंने आपसे शेयर किया था कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप डेली अपनी कैलोरीज को काउंट करते हैं या आपको कोई भी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलोरीज को काउंट करने के लिए। तो इस वीडियो में एक मील के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ऐप को एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। सो गाइज, आपको जो भी ऐप यूज़ करना है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप हेल्दीफाई मी या माई फिटनेस पैल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं हेल्दीफाई मी को यूज़ कर रहा हूँ। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि अपनी हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल एंड आपका गोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर देंगे तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज को कंज्यूम करना है। एंड बाद में जैसे आपके वेट में फ्लक्चुएशंस होने लगे आप अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जहाँ पे आप अपने मील्स के हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स, सारी चीज़ों को आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं। तो अब एक बहुत ही कॉमन इंडियन मील का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसके कैलोरीज एंड मैक्रोज कितने आते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस ले रहा हूँ। आपको बिल्कुल एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, 4-5 ग्राम्स यहाँ वहाँ चलता है। सो ये 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस मैं ऐप में भी ऐड कर दूंगा। सेम आपको ऐड करना है, अगर आप कुक्ड मेजर कर रहे हैं तो आप कुक्ड ही ऐप में ऐड करेंगे, अगर आप रॉ राइस को मेजर कर रहे हैं तो आप रॉ ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स ऑफ तूर दाल ले रहा हूँ। एंड दाल में थोड़ी बहुत कैलोरीज में फ़र्क हो जाती है, हर किसी के घर में दाल थोड़ी डिफरेंट बनती है। एज यू कैन सी यहाँ पे दो एग्जांपल्स है, किसी के घर में दाल थोड़ी पतली बनती है जिसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड कहीं पर बहुत ही थिक बनती है। तो यहाँ पे कैलोरीज में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकती है, तो यू कैन बी योर बेस्ट जज। एंड यहाँ पे लास्ट में मैं ले रहा हूँ 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड चिकन, एंड इसकी मैरिनेशन बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो 150 ग्राम्स ऑफ कुक चिकन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि ऑयल से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है कैलोरीज में। सो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मील की कैलोरीज कितनी हुई एंड इसके मैक्रोज क्या है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होने वाला है। सो गाइस, इसी तरह आप अपने सारी मील्स के कैलोरीज एंड मैक्रोज को काउंट कर सकते हैं। हर बार आपको चीज़ों को वजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 200 ग्राम्स ऑफ राइस कितना होता है, 200 ग्राम्स ऑफ दाल कितनी होती है। ये वीडियो मैंने हेल्दीफाई मी पर बनाया था। अगर आपको माई फिटनेस पैल पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसी और कोई टॉपिक या वीडियो चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।